आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय टीम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से करने जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय समय के मुताबिक आपको बता दें कि ब्लॉकबस्टर मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुकाबले में कांटे की टक्कर होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम रिकॉर्ड 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, तो वहीं भारत 2 बार वर्ल्ड टाइटल जीत चुका है। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई टीम में ऐसे प्लेयर्स की फौज है जो इस महामुकाबले में टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा सकते हैं। ऐसे में भारत को या तो उन्हें जल्दी आउट करना होगा या फिर उनका विकेट लेना होगा। वनडे फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का काफी पुराना और ऐतिहासिक इतिहास है। इन दोनों टीमों ने साल 1980 से लेकर 2023 तक कुल 149 वनडे मैच खेले हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि उन्होंने 83 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि भारत को सिर्फ 56 मैचों में जीत मिली है। तो वहीं 10 मैच ऐसे भी खेले गए जिनमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। इन दोनों टीमों के बीच एक भी मैच टाई यानी कि बराबर नहीं हुआ है। आपको बता दें कि काफी दिलचस्प जो है इस बार मुकाबला होने जा रहा है, और हमेशा से यही देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के जो कंगारू है उनमें अलग ही जोश देखने को मिलता है। हालांकि जोश की कमी भारतीय इंडियन टीमों में भी नहीं देखने को मिली है, लेकिन अक्सर अगर पहले का इतिहास अगर हम लोग उठाकर देखें तो जो कंगारू की टीम है काफी ज्यादा जो है उनका पड़ा भारी देखने को मिला है। और क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको बता दें ललित कोहली सर, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज वर्ल्ड कप में पहली परीक्षा है इंडिया की और काफी दिलचस्प मुकाबला ये कह सकते हैं हम लोग, आप इस पूरे मैच को ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भारत का होने जा रहा है किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा जो है बहुत ज्यादा भारी दिखाई दिया है। देखिए, अभी जो पिछली सीरीज हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के लिए जिस तरीके के हिंदुस्तान टीम ने प्रदर्शन किया वो अपने आप में काफी तारीफ है और हिंदुस्तान की बैटिंग बॉलिंग की शख्सियत को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि वो सीरीज और इस वर्ल्ड कप की सीरीज में बहुत ज्यादा फर्क रहेगा, क्योंकि अब वर्ल्ड कप में मुकाबला छोड़ दोनों ही टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी। जहां तक रही ऑस्ट्रेलिया की बात, निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि अगर पेपर्स में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया टीम थोड़ी सी हिंदुस्तान से बेहतर है, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्म हिंदुस्तान की टीम ने पिछले 3-4 महीनों में किया है वो अपने आप में उनकी बादशाहत को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान जीत के साथ आगाज करके हिंदुस्तान की पब्लिक को बहुत बड़ा तोहफा देगी। हाँ, निश्चित तौर पे प्लेइंग 11 क्या होगी ये देखने वाली बात है, और सबसे अहम इस मैच में आज का जो रहने वाला है वो है टॉस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टॉस जब होगा उसी का इंतजार हर भारतीय को है और लगातार सभी भारतीय यही उम्मीद बनाए हुए हैं कि इस बार जो है जीत इंडिया की होगी, लेकिन ये तो मैच जब खत्म होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। चलिए और चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि क्रिकेट एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि जो मैच है बहुत ज़्यादा दिलचस्प इस बार होने वाले, 2 बजे से ये मैच जो है चेन्नई में शुरू होगा, कौन जीतेगा ये देखना होगा। चलिए बढ़ते आगे हमीरपुर।